लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आज नवी मुंबई बीजेपी ने बंद मंदिरों को खोलने की मांग करते हुए घंटानाद आंदोलन किया। बेलापुर के गोवर्धनी मंदिर में विधायक मंदाताई मात्रे ने घंटानाद आंदोलन में हिस्सा लिया और महाविकास आघाड़ी सरकार का विरोध किया। मंदाताई मात्रे ने कहा कि उद्धव सरकार ने दारू शराब की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है, लेकिन आस्था के केंद्र मंदिरों को अभी भी लॉकडाउन से मुक्त नहीं किया है। इससे मंदिरों पर आश्रित पुजारी, फूलहार और पूजा सामग्री बेचने वाले असंख्य लोगों के जीने का जरिया खत्म हो गया है। मंदाताई मात्रे ने सवाल उठाया कि जब दारू शराब की दुकानें खुल सकती हैं, तब मंदिर के द्वार खोलने में हर्ज क्या है। उन्होंने राज्य सरकार से मंदिरों को तत्काल खोलने की मांग की। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। सर्व नागरिकांना माहिती आहे की गेले 2 वर्ष मंदिर बंद आहेत आणि नुसतं मंदिर बंद नाही तर मंदिरावरती ज्यांचे रोजगार चालत होते, मग फुलं असतील, अबीर कुंकू असतील, फळं विकणारी असतील, मिठाई विकणारी असतील, एवन भिकारी दरवाज्यात बसणारे असतील, या एका मंदिरावर ब्राह्मण आणि सर्व लोकांचं रोजगार होता, पोटं भरत होती। आज हे मंदिरं गेली 2 वर्ष बंद आहेत आणि दारूची दुकानं उघडी आहेत, ह्याचा आम्ही आज निषेध करतो। मंदिरं लवकरात लवकर उघडी केली पाहिजे, सोशल डिस्टन्स ठेवून लोक मंदिरात प्रवेश करतील, ब्राह्मण मंदिरात प्रवेश देताना सोशल डिस्टन्सचं पालन करतील, म्हणून आज आम्ही हा घंटानाद केलेला आहे की महाराष्ट्र सरकारचे डोळे उघडले गेले पाहिजेत, लवकरात लवकर मंदिरं उघडी करा, नाहीतर आम्ही मंदिरं उघडी करू। आता येणारी नवरात्र आहे, यासाठी लवकरात लवकर मंदिरं उघडी झाली पाहिजे, अशी माझी सरकारला विनंती आहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बता दें कि लॉकडाउन में 2 सालों से मंदिर और धार्मिक स्थल बंद हैं, जबकि अनलॉक और मिशन बिगिन अगेन के तहत राज्य में सभी कमर्शियल प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल और दारू की दुकानें चालू हैं। सवाल ये है कि आखिर धार्मिक स्थलों पर इस तरह की पाबंदी क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।